हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग आ रहा है। आप सभी ने बहुत इंतज़ार किया, हमें बहुत मैसेज किया कि ब्लॉग कब आएगा कब आएगा कब आएगा। आखिरकार ब्लॉग आने स्टार्ट हो चुके हैं। बेसिकली हम एक ट्रिप पे जा रहे हैं, उस ट्रिप पे हम आज शॉपिंग करने जाएंगे और सब कुछ आपको दिखाएंगे और पूरा ट्रिप आपको दिखाने वाले हैं। तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन दिन में 1 बजे ब्लॉग देख सकते हैं। हेलो गाइस, मैं और ऋषभ बिल्कुल एकदम टिप टॉप होके निकल चुके हैं शॉपिंग के लिए, क्योंकि जैसा कि आपको ऋषभ ने बताया है पहले कि हम लोग जा रहे हैं एक ट्रिप पे, तो ऋषभ के पास बिल्कुल भी कपड़े नहीं है और हमें बहुत सारे कपड़े लेने हैं। तो बस इसी वजह से मैं और ऋषभ जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। मेरे पास तो है लेकिन ऋषभ के पास नहीं है, और हम दोनों निकल पड़े गाड़ी की तरफ। और भाई, ये जो गर्मी है, बहुत तगड़ी वाली गर्मी है, मतलब इतनी गर्मी मैंने शायद जयपुर में कभी देखी नहीं है। और बस फिर हम लोग हमारी गाड़ी का एसी चालू करके और निकल पड़े हैं मॉल की तरफ। आप सभी को मैंने बोला था कि कुछ नया आने वाला है, कुछ नया आने वाला है। तो क्या नया आने वाला है वो आपको आगे आने वाले ब्लॉग्स के अंदर पता चल जाए और कुछ अभी भी पता चल जाएगा। तो गाइस, अभी तो हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, क्योंकि हमारी 4 दिन बाद फ्लाइट है दिल्ली से और हम कहीं जा रहे हैं। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, बड़ी स्पेशल जगह है, तो हम जहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे आने वाले ब्लॉग्स में पता चलेगा। और अभी मैं और मोनिका निकल पड़े हैं शॉपिंग करने और हम यहाँ पे पहुँच गए हैं मॉल की पार्किंग में। तो जो जो जयपुर से है उन्हें तो पता ही होगा कि ये कौन सा मॉल है। और हम लोग पहुँचे सबसे पहले मैक्स के शोरूम में, क्योंकि ऋषभ को वहाँ के कपड़े सूट करते हैं। लेकिन ऋषभ की एक आदत बताती हूँ आप लोगों को, ऋषभ की आदत ये है कि मम्मी और मैं बोल बोल के थक जाते हैं कि भाई कपड़े ले लो कपड़े ले लो, और हम जो लेकर आते हैं वो ऋषभ को सूट नहीं होते, वो ऋषभ को सेट नहीं होते, कि मतलब नुस्ख निकालते कि ये ढीला है ये टाइट है। और यहाँ पर ऋषभ एक के बाद एक कपड़ा यूं ही चेंज करके खुद को देखते रहे और मैं ऋषभ को देखती रही कि भाई कौन सा सूट कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा। और यहाँ पे मैं ऋषभ के लिए टी शर्ट देख रही हूँ कि चलो कोई टी शर्ट देख लेती हूँ अच्छी मंदी सी। तो अब आए हैं तो भाई ये तो मेरा फ़र्ज बनता ही है। और ऋषभ फिर से जो ऋषभ को टी शर्ट दी हुई है वो वापस चेंज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि ऋषभ काफ़ी जन्मों बाद आए हैं शॉपिंग के लिए, क्योंकि इतनी जल्दी से उनको लाना बहुत मुश्किल है। फिर आया जीन्स का टाइम, जीन्स भी ऋषभ ने चेक करी। और यहाँ पे हमारी शॉपिंग कंप्लीट नहीं होती है क्योंकि अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आप लोग बने रहो व्लॉग में और देखते रहो। तो यहाँ पर हम लोगों ने करवाई बिलिंग और यहाँ पर हमें कैरी बैग दे दिए हैं बिल्कुल, और हम हैं तैयार हमारे कैरी बैग्स लेके। तो जम के शॉपिंग कर लिया आपने? गाने चल रहे हैं, कॉपीराइट आ जाएगा। ऋषभ कैसा लग रहा है आज, इतने सालों बाद, मतलब मेरी हमारी शादी हुई उसके बाद ऋषभ ने फर्स्ट टाइम शॉपिंग करी है मेरे साथ। मतलब हम लोग फिर भी ऋषभ के लिए ठीक है टी शर्ट्स वगैरह ले आते थे, लेकिन मैं तो ऋषभ के साथ पर्सनली फर्स्ट टाइम आई हूँ आज शॉपिंग के लिए। और ऋषभ ने जो जमकर शॉपिंग की है आज, और अभी बाकी है क्या कुछ? बाकी भी है अभी बहुत कुछ। अब हम लोग जा रहे हैं, भैया गेट तो खोल दीजिए। तो ऋषभ आप कहाँ जा रहे हैं? हम शूज ले। यस, हम लोग जिससे चलते हैं टक 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 करके, हम लोग शूज लेने जा रहे हैं मेरे लिए और ऋषभ के लिए। और कुछ पसंद आ जाएगा तो कुछ बोल नहीं सकते, ये शूज तो लेने। तो अभी हम लोग शूज लेने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को लगी है बहुत तेज भूख और हम लोग जा रहे हैं थोड़ी सी पेट पूजा करने। तो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है और हम लोग क्या खाते हैं। बहुत टाइम के बाद व्लॉग आ रहे हैं, क्योंकि कुछ रीजंस ऐसे थे कि हम लोग आपके लिए व्लॉग नहीं ला पाए, तो उसके लिए हम लोग माफ़ी चाहते हैं। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस थे कि व्लॉग कब आ रहे हैं व्लॉग कब आ रहे हैं, तो अभी आप लोग का इंतज़ार ख़त्म होता है और व्लॉग्स आना शुरू होते हैं। अब क्या है कि हम लोग शॉपिंग गए थे, तो शॉपिंग करते करते हम लोगों को लग गई भूख। तो भाई पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। और यहाँ पर हम लोग गए थे पिज़्ज़ा वर्ल्ड, और यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के पिज़्ज़ा थे जो कि हम लोगों ने बहुत पेट भर के खाए, मतलब मज़ा आ गया एकदम। देख लो दोस्तों, देख लो मेरी प्लेट देखो और इनकी प्लेट देखो, ये साइड का अच्छा नहीं लगता। और ये हम दोनों का सूप देखो। और अब क्या आ रहा है डेजर्ट, डेजर्ट में क्या ब्राउनी?
गाइस हम पिज्जा वर्ल्ड से निकल चुके हैं। अगर आपको नहीं पता कि पिज्जा वर्ल्ड एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे अनलिमिटेड पिज्जा मिलता है अलग अलग ऑफर से प्राइसेस के अकॉर्डिंग। हमने जो पिज्जा खाया है वो 180 वाला है, 189 वाला है, और इसके अंदर अनलिमिटेड पिज्जा मिलता है। 6 से 7 प्रकार के पिज्जा मिलते हैं आपको, और फिर लास्ट के अंदर डेजर्ट के अंदर आइसक्रीम ब्राउनी मिल जाता है। तो जब तक आप पिज्जा खा सकते हो ना 189 रुपीज में, जब तक आप खाइए। अनलिमिटेड पिज्जा वो आपको एक एक स्लाइस ला ला के दिए जाएंगे बिल्कुल गर्मा गर्म, मजा आ जाता है। और इससे कम का भी है 129 का भी, उसके अंदर पिज्जा कम हो जाते हैं, उसमें भी अनलिमिटेड है, तो अनलिमिटेड ही होता है यहाँ पे। तो आप पिज्जा वर्ल्ड अगर खुले कभी आपके आसपास या आप नहीं गए अभी तक तो जरूर जाके आना। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ जो मैं जाके आया। हम लोग आ चुके हैं रेड टेप के शोरूम में, क्योंकि मैंने उसके ऊपर देखा है कि 70% ऑफ लिखा हुआ है। देखो ये 70% ऑफ दिख रहा है, बस ये 70% ऑफ देख के मैं रुका हूँ, देखते हैं क्या ऑफ मिलता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं यहाँ पे हमेशा 70% ऑफ रहता है। पति देव इतनी सारी शॉपिंग कर रहे थे तो पति देव ने बोला क्यों ना पत्नी देवी आपको भी शॉपिंग कराई जाए थोड़ी सी। तो मैंने बोला हाँ भाई मैं क्यों मना करूँगी, बिल्कुल दिलाइए दिलाइए। तो मैंने लिए हैं मेरे लिए शूज़, क्योंकि मेरे शूज़ काफ़ी ख़राब हो चुके थे, तो बस मुझे देखने थे कोई अच्छे से, तो बस जाते मुझे पसंद आ गए। और फिर ऋषभ ने भी खुद के लिए शूज़ ट्राई किए, क्योंकि हम लोग जाने वाले थे तो चलने का काम तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होता है जब कहीं आप लोग घूमने जाते हो। तो बस ऋषभ को क्या है जल्दी से कोई सूट नहीं करते शूज़, ऋषभ को कंफर्ट नहीं लगता, तो बस वही ऋषभ चल चल के देख रहे हैं कि भाई कोई तो शूज़ ऐसा हो जो मुझे पसंद आ जाए। तो बस वही है कि ऋषभ का तो चलना फिरना, और फिर जैसे ही शूज़ का ख़त्म हुआ लेने का तो बस ऋषभ आ गए स्लीपर के ऊपर कि चलो भाई स्लीपर। लेकिन फिर ऋषभ ने ली कि नहीं ली वो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। और अब हम चल रहे हैं दूसरी ओर, तो देखिए कहाँ चलते हैं। कौन सा रास्ता? इसने जो नेविगेटर बता रखा है ना, ये तो इसने यहाँ लेकर ऐसे बता रखा है सोलाले की तरफ से। हाँ। 2000 years later। और मोनिका को प्यास लग रही थी, करीबन एक घंटे की ड्राइव करके हम लोग पहुंचे हैं MI रहता हूँ, MI रोड, ठीक है। मोनिका को बहुत तेज प्यास लग रही थी तो वो पानी की बोतल लेने गई है। वो बोल रही थी मैं पिलाना ही नहीं चाहता पानी। अरे भाई बोतल वाला पानी वाला दिखेगा तो ही तो रोकूंगा। ये देखो लिया ही पानी। हाँ जी मिल गया पानी आपको। 10 किलोमीटर हम लोग चल के आ रहे हैं और ऋषभ ने अभी तक रोकी नहीं गाड़ी में, बोल रही पानी गया रोकी नहीं पा। गाइस एक बात बताओ, ये पानी अगर ये पानी बहुत गर्म है, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा धूप में खड़ी थी गाड़ी। चलो गाइस आप लोग हाथ लगा के बताओ। हाँ, आप लोग हाथ लगा के बताओ। तो गाइस गाड़ी हमने पार्क कर दी और अब हम जा रहे हैं चश्मे वाले के। अब ट्रिप पे जा रहे हैं तो चश्मा लगा के तो नहीं घूम सकती ना, तो लेंस की तो ज़रूरत है। हाँ ठीक है कभी कभी चश्मा भी चलेगा, लेकिन फिर भी लेंस की तो बहुत ज़रूरत है। तो बस मैं और ऋषभ पहुँच गए। एक खुलने के बाद लेंस हमारे पास आ चुका है, आप खोल के दिखाते हैं। खोल के दिखाना भाई। ये मोनिका के लेंसेज है, इसके अंदर देखो इसमें एक लेंसेज है। खुश खुश। सो गाइस क्या आप लोगों को दिख रहा है AXOTVHUAX, इसके बाद में HTOV, उसके बाद में तीन लाइन में क्या लिखा है वो आप बताओ। चश्मे वालों के यहाँ से फ्री हुए और मोनिका जी आ गई खुद का बैग लेने। बोले भाई फ्लाइट के अंदर जाएंगे तो 7 किलो हैंड बैग भी तो होना चाहिए, तो हैंड बैग के लिए बैग तो होना चाहिए ना जिसमें 7 किलो है। पर्स दिलाने आया हूँ, ये देखो सामने टक रहे हैं ना पर्स। कौन सा लायो? ओ बेटे की, तो बैठो तो सही। सो गाइस यहाँ पर्स आ चुका है, जल्दी से कीमत बताओ। 700। 700 रुपए का? जी। थोड़ी बार्गेनिंग करते ना तो यही मिल जाता। पहले खोल के तो दिखाओ हमारी जनता जनार्दन को कि 7 किलो सामान इसमें आएगा भी नहीं आएगा। इसमें आओ या ना आओ लेकिन ये हैंडी है बहुत, तो ये इजीली थैली 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 हटाओ। तो गाइस ये 700 रुपए का बैग है,
और ये हैंडी बताते हैं, और इसके साथ ये एक ओ बाय गॉड, एक के साथ एक फ्री। चलो हाल फिलहाल हम मार्केट में थे और अब हम चलते हैं, कोई बीच में एक दो काम कर रहे हैं। अब हम लोगों की सवारी चली। इतना ट्रैफिक नहीं मिला कभी, ट्रैफिक बड़ा तगड़ा है यहाँ का ट्रैफिक। तो मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में बोला था कि शॉपिंग अभी खत्म नहीं हुई है, तो आप लोग देखो हम लोग कहाँ पहुँचे। तो गाइस हम लोग फिर एक मॉल के अंदर आ चुके हैं शॉपिंग करने, क्योंकि मेरे को लगा मेरे लिए टी शर्ट एक कम पड़ गई, शायद 8-10 ले चुका हूँ फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा कम पड़ गई, तो मैं दूसरे मॉल में आ गया लेने। कुछ गलत थोड़ी ना, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। टेस्ट कर जा रहा हूँ टी शर्ट पहन पहन के, मोनिका मेरे को ला ला के दिए जा रही है, वो थक चुकी आज बहुत बुरी। खैर ये वाली तो टाइट लग रही है, तो मैंने इसमें बड़ा साइज मंगाया है। अच्छा ये साइज एक नंबर मैंने बड़ा पहन के देख लिया और ये बहुत सही लग रहा है, और इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और मैं यहाँ पर बोर हो रही हूँ क्योंकि ऋषभ है कि कपड़ों पे कपड़े खरीदे जा रहे हैं और मैं हूँ कि चुपचाप बैठी हुई हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि ऋषभ की अब शॉपिंग खत्म हो, लेकिन आज तो ऋषभ की शॉपिंग खत्म होने का बिल्कुल नाम ही नहीं ले रही थी। और फाइनली हमने शॉपिंग कर ली है गाइस, और अब हमें लग रही है बहुत तेज भूख, क्योंकि हम सुबह 11 बजे के निकले हुए हैं और अभी टाइम हो रहा है रात के 9, तो अब हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने। और बाप रे बाप, कुछ ज़्यादा सामान नहीं खरीद लाया आज। हम लोग घर पे आ चुके हैं, क्या दिक्कत हो रही है? पानी फाइनली हम लोग शॉपिंग करके घर आ गए और बहुत बुरे वाले थके हुए हैं, क्योंकि हम सुबह के निकले हुए हैं और अभी घर पहुँचे हैं। घर पहुँचा तो निकुंज कूलर ठीक कर रहा था, तो आधा पौन घंटा वहाँ लग गया, तो नियर अबाउट 10:30 हमको बज चुके हैं रात के और हम बहुत बुरी तरह थक चुके हैं। तो गाइस शॉपिंग तो हमने कर ली, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं ये अभी तक मैंने आपको नहीं बताया है, तो ये आपको बताऊंगा मैं नेक्स्ट आने वाले ब्लॉग के अंदर। तो आप सभी ब्लॉग के अंदर बने रहना ये जानने के लिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये वीडियो जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है वीडियो अपलोड करे हुए और ये वीडियो आ चुकी है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। और जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारे चैनल पे, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो गाइस फटाफट लाल रंग के बटन को दबा दो, सब्सक्राइब कर दो। चलो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक गुड बाय टाटा।